हेलो एवरीवन, पल्लवी रियल ब्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और नवरात्रि का आप लोगों का हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये नवरात्रि का पहला दिन का है फ्रेंड्स। सुबह में मैं जल्दी उठ गई थी और देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ सबसे पहले, और मैं उसके बाद में उधर मेरे हस्बैंड अभी कर रहे थे योगा, और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में क्योंकि लाइट था फ्रेंड। तो मैं दाल सोची कि फिर चढ़ा लेती हूँ इंडक्शन पर, तो मैं दाल को इंडक्शन पर चढ़ा लूँगी क्योंकि अभी लाइट है। और दाल मैं धोकर कुकर में डाल ले रही हूँ और पानी में उसके अंदाज से डालकर उसके बाद देखिए मैं दाल चढ़ा दी थी और आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए घर में। और मेरे हस्बैंड उधर अपना बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे थे, और उसके बाद मेरा पोछा लग गया था फ्रेंड्स। मैं टिया को लंच के लिए भुंजिया भुनने जा रही हूँ, तो भुंजिया मैं काट ले रही हूँ पहले, और बैंगन मैं काट के निकाली हूँ काटने के लिए। सब्जी मैं बनाऊँगी आज बैंगन आलू की सब्ज़ी। और देखिए इधर मैं चाय चढ़ाई हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और मेरा भुंजिया मैं काट ली थी फ्रेंड्स, और तेल भी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ क्योंकि तो मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था तो मैं डाल दी थी। और भुंजिया देखिए मैं डाल दे रही हूँ और डालकर मैं ढक दी, और चाय मैं लेकर बैठ गई हूँ। इधर मैं सब्ज़ी काट लूँगी, साथ ही साथ मैं ऊपर में चाय भी देख भुंजिया भी भुंज रही हूँ, और चाय देखिए मेरा ठंडा हो रहा है। मैं जल्दी से सब्ज़ी काट कर चाय भी पी लूँगी। तो मैं बैंगन और आलू का सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ, और आलू का भुंजिया तो आप लोग देखे ही कि मैं काट कर चढ़ा दिया है मैंने। और उसके बाद इसमें मैं हल्दी डाल दे रही हूँ, नॉर्मल मैं भुंजिया भुन रही हूँ। इसमें मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी फ्रेंड्स क्योंकि टिया को खाना है, टिया को तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है। और उधर मेरा हस्बैंड के लिए मैं चावल धो के डाल दे रही हूँ, और उसी कटोरी में मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आलू बैंगन को मैं धो के रख दे रही हूँ। दो पानी से मैं आलू बैंगन को धो ले रही हूँ, और इधर लगे हाथ भुंजिया में देखिए मैं सिर्फ धनिया पाउडर और जीरा पाउडर को यूज़ की हूँ मसाला में, मिर्च पाउडर नहीं। और मिर्च मैं दो रखी थी, और उसके बाद मैं कढ़ाई में खाली करके उसी कढ़ाई में मैं बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ। हल्दी पाउडर मैं, गरम मसाला और जीरा पाउडर मैं सभी मिक्स कर दूँगी, और नमक स्वाद अनुसार। और मैं बैंगन आलू का सब्ज़ी सूखा बनाऊँगी फ्रेंड्स क्योंकि सूखा ही मेरे घर में सबको खाते हैं। और देखिए मैं एक टमाटर काट कर डाली हूँ, और एक टमाटर मसाला के साथ ही मैं मिक्सर में पीस ली थी क्योंकि मसाला कम रहने पर मिक्सर में नहीं पिसाता है फ्रेंड्स। तो देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बैंगन, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बैंगन का सब्ज़ी खाने में। और देखिए मैं इधर सासू माँ के लिए चाय चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद टिया को भी इधर मुझे देना है, लंच बनाना है, तो सासू माँ का चाय इधर मेरा बन गया है। हम मैं और मेरे हस्बैंड सुबह में ही पी लिए थे, और सासू माँ को दे रही हूँ क्योंकि वो लेट से ब्रश की थी तो इसलिए उनको लेट से मैं दे रही हूँ बनाकर। और टिया के लिए देखिए यहाँ पराठा मैं डाल दी हूँ, एक ही पराठा ले जाएगी ये स्कूल और दूध पी कर जाती है। और इधर मेरा बैंगन का सब्ज़ी भी मीडियम फ्लेम में मैं करके पका रही हूँ, और घी में लगाई हूँ मैं पराठा में टिया का क्योंकि मैं घी घर में ही निकालती हूँ माखन, तो मैं घी घर से ही निकाल कर इसे घर का ही घी का मैं दे रही हूँ पराठा बनाकर। और इधर मैं मीडियम फ्लेम में ही बैंगन आलू का सब्ज़ी पका रही हूँ धीरे धीरे, और जब तक मैं पराठा बनाती हूँ तब तक ये पकते रहता है। और उसके बाद लास्ट में मैं 5 मिनट उतारने से पहले गरम मसाला मैं ऐड कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। और मेरा भात भी उधर हो गया है, मैं भात को भी पसा लूँगी। और देखिए मेरा भात दाल सब्जी आलू बैंगन का तैयार हो गया, और हस्बैंड को मैं खाना देकर आ गई थी। और उसके बाद देखिए मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, और रोटी मैं बहुत ही अच्छा खिला खिला रोटी बन रहा है फ्रेंड्स आज, ऐसे डेली बनता है मेरा खिला खिला रोटी। और उसके बाद देखिए मेरा सब काम हो गया था, उसके बाद मैं जा रही हूँ, मैं और मेरी भगनी जा रही है टीवी टिया खिलाने। और ये मंदिर का थोड़ा सा क्लिप था फ्रेंड्स तो मैंने थोड़ा सा ले लिया था। और उसके बाद शाम इवनिंग का समय है शाम का, तो टिया बोली थी सूजी बनाने के लिए, तो मैं सूजी बना रही हूँ, और सूजी में मैंने घी डाला है, घी में मैं सूजी बना दे रही हूँ। और सूजी थोड़ा सा आप लोगों को कम लग रहा होगा इस वजह से क्योंकि ज़्यादा है हो जाता है ये, जब इसमें पानी मैं डालूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को देखने में लग रहा है, लेकिन सूजी थोड़ा फैलता है फ्रेंड्स तो बनने के बाद डबल हो जाता है सूजी, थोड़ा पका हुआ नहीं रहता है तो वो कम लगता है, पकने के बाद डबल हो जाता है। तो देखिए मेरा सूजी मेरा भूनकर देखिए फ्रेंड तैयार हो गया, मैं इसमें चीनी और पानी डाल दे रही हूँ, चीनी पानी डालकर मैं इसे बढ़िया से सुखा लूँगी पानी को, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा से भूनने से, लाल करके भूनने से आप इसको बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और दाना दाना दिखेगा, और दाना दाना दिखता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा सूजी बनकर तैयार हो गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और घी में बना हुआ सूजी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स खाने में भी, और देखने में तो अच्छा लगता ही है।
लेकिन घी का सूजी बना हुआ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मैंने घी में ही बनाया था, क्योंकि घी मैं घर में निकालती हूँ तो इसलिए मेरे घर में था घी। तो देखिए मेरा सूजी बनकर तैयार हो गया है, और इवनिंग का देखिए आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए। और ये रात का समय है, तो रात का समय में लाइट था, लेकिन मैं थोड़ा सा मसाला होने की वजह से मैं मसाला में सिलबट्टे पर ही पीस ले रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा मसाला रहता है तो मिक्सर में पीसने में ठीक रहता है फ्रेंड्स, कम मसाला मैं सिलबट्टे पर भी पीस लेती हूँ। और मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था तो मैं इसमें तेल डाल दी हूँ, और उसके बाद जीरा और तेज़पत्ता मैं डाल दे रही हूँ, और टमाटर मैं काट के रखी हूँ तो मैं टमाटर को भी थोड़ा सा डाल दूँगी। और 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें मसाला को ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, जो मैंने पीसा है, और उसमें हल्दी भी मैंने पहले से ही डाल के रखा था, तो मैं हल्दी डाल दी हूँ और मसाला को भून कर मैं ढक दे रही हूँ तब तक ये पकेगा आराम से। और उसके बाद में जब मीडियम फ्लेम में मैंने रखा था फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मेरा मसाला कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। और जीरा पाउडर और धनिया पाउडर और गरम मसाला मैं ऐड कर दी हूँ इस सब्ज़ी में। ऐड करने के बाद देखिए चना मैं डालकर 2 मिनट पका ले रही हूँ, और उसके बाद मैं आलू छील उबाल ली थी और उसको मैं छील कर फोर कर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और उसके बाद ग्रेवी के लिए देखिए आप लोगों को जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, तो मैंने डाला है इसी तरह कम ही पानी मैंने डाला है फ्रेंड, ग्रेवी कम ही मैंने रखा है। उसके बाद मेरा सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया था। तो देखिए मैं रोटी बनाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि लाइट अभी था तो मैं सोची रोटी बना ले रही हूँ जल्दी जल्दी, लाइट चली जाती है शाम को, डेली टाइम हो गया है, डेली टाइम बांध दिया है कि डेली लाइट चला जाता है 7:30 बजे, तो मैं उससे पहले ही बना कर रख ले रही हूँ खाना। और टिया का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, स्कूल से आई है उसी समय से उसका तबीयत बिगड़ा हुआ है फ्रेंड्स, तो कुछ खा भी नहीं रही है, और सुबह दोपहर में बुखार भी लग गया था, तो शाम के समय में वो सो गई थी, तो उठी तो उसको मैं सूजी बना कर दी, मांगी थी कि सूजी बना के दो, तो उसको भी मैं जल्दी खिला लूँगी क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, और खाना खिलाकर मैं उसको दवा दे दूँगी। और देखिए मेरा रोटी सारा खिला खिला निकल जाता है फ्रेंड्स, और खिलता है रोटी तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो नहीं खिलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे, सारा रोटी खिल जाता है तो अच्छा लगता है देखने में। और इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं और मेरा वीडियो को आप लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स, आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हम लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, जितने भी बड़े भाई बहन हैं मुझे छोटी बहन समझकर आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए मेरा रोटी बन गया है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था, तो 4 ही आदमी का बनाना था, तो मेरा रोटी बनकर तैयार हो गया है, और जल्दी फटाफट मैं बना लेती हूँ रोटी, मुझे रोटी बनाने में समय नहीं लगता है। तो मेरा रोटी देखिए बनकर तैयार हो गया, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को भी फुल वॉच नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आता है तो नहीं कीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए पल्लवी रियल्स ब्लॉग्स को, जैसे सभी को आप लोग सपोर्ट करते हैं उसी तरह मेरा भी कीजिए। देखिए मेरा आलू चना का सब्ज़ी और रोटी तैयार है, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।